अब तक आपने देखा द्वारका माई में साईं के लिए भोजन लेकर आई बायजा, वहाँ साईं को अनुपस्थित देख उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इधर बायजा की सास अंतापंता की अच्छे से खबर लेती है। जंगल में बायजा की रक्षा करने के पश्चात साईं उसे अपने चमत्कार से वापस शिरडी पहुँचा देते हैं। अगर वो दृढ़ है तो मैं उससे अधिक दृढ़ हूँ, क्योंकि उसकी माँ हूँ मैं। अब आगे मेरी माँ के हाथ का खाना है, खाओगे? आया हूँ साईं मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साईं अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साईं मोरी पतवार, मोरे साईं मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साईं 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 ओम। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साईं रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे। भव सागर तर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। लेके आए हो क्या? लगा सरकार खुश हो जाएंगे? तुम दोनों की असफलता अक्षम्य है। तुम दोनों सरकार, नहीं 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 सरकार, माना कि हम आपका काम आधा ही कर पाए, लेकिन परिणाम तो वही हुआ ना। कैसे कैसे? जो आप चाहते थे, साईं से मुक्ति मिल गई आपको।
मुक्ति? हाँ हाँ सरकार, साईं शिरडी छोड़कर चला गया है और जाते जाते ये कह गया है कि वह किसी को दबा नहीं देगा। हाँ सरकार। हरिओम हरिओम। आखिर वो बैरागी पलायन कर ही गया शिरडी से, खबर पक्की है ना? हाँ सरकार, वैसा नहीं होता तो ये लोग आपके पास क्यों आते? अगर आप इनका इलाज करेंगे तो ये लोग अपने अपने गांव जाकर सभी लोगों को ये कहेंगे कि कुलकर्णी सरकार ने हमारा इलाज किया, और उसके बाद सभी लोग आप ही से इलाज कराने आएंगे ना। बिल्ली की भाग्य से झिंका टूटा। हरिओम, श्रेय चाहिए इसका? जाओ दिया, दिया श्रेय तुम दोनों को। वो तो मेरे सेवक, थोड़ा थोड़ा पिंतरा सीख रहे हो मुझसे। हरिओम, बढ़िया है। हरिओम हरिओम। तुम सब लोग भाग्यशाली हो जो कुलकर्णी सरकार से उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम लोगों को। हरिओम, तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुम लोगों ने कभी नहीं की होगी सपने में भी। मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से एक सप्ताह तक बिना पैसे लिए लोगों का उपचार करूंगा मैं। हरिओम। बोलो कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। मेरे विचार से हमें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर घर लौटने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। हाँ हमें लौट जाना चाहिए, कल सुबह ही आएंगे, हो सकता है तब तक साहेब वापस लौट आए। ठीक है, कल सुबह ही आते हैं। ना मैं त्रंबक को साईं के पास लाती, ना ये सब होता। साईं के दुख का कारण, इतने लोगों के दुख का कारण मैं ही हूं। क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हो? ताकि जो चोट मुझे मिली है उसे भुला सकूं। आओ। बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ भाई, क्यों दुखी हो? श्रवण कुमार की तरह इकलौता और आज्ञाकारी बेटा था मेरा। पिछले साल ही उसकी धूमधाम से शादी कराई थी मैंने। कुछ ही दिनों में वो बाप बनने वाला था और एक दादा, लेकिन लेकिन उसके पहले ही अब वो अपनी होने वाली संतान का मुंह नहीं देख पाएगा और मैं अपनी संतान का। ये सब मेरी गलती है।
तुम्हारी गलती? हाँ मेरी ही गलती थी। मेरी जीत थी को मेरे साथ कुंभ स्नान के लिए नासिक चले। गोदावरी में स्नान करते वक्त ऐसी डुबकी लगाई कि ऊपर आया ही नहीं, पानी की तेज धारा में बह गया। मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी वजह किसने कहा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है? वो तो यही है और खुश भी। आराम से। क्या कर रही हो तुम? इधर यहां बैठो। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आके भर देता पानी। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था इसलिए निकल पड़ी। और वैसे भी इस अवस्था में पूरा आराम करना नुकसानदेह हो सकता है। मैं ठीक हूँ। सच में ना? हाँ। और कोई बात तो नहीं ना? चक्कर वाली बात इन्हें बताई तो ये बेवजह परेशान हो जाएंगे। ऐसी हालत में चक्कर तो आते ही है। पता है द्वारका माई में सारे लोग इंतजार कर करके वापस चले गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वारका माई इतनी सोनी हो जाएगी। सिर्फ द्वारका माई नहीं, पूरा शिरडी सुना हो गया है। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख उसके संतान की मौत होती है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अब तो तुम यही कहोगे ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है और आत्मा के रूप में मेरा बेटा मेरे साथ है। अरे क्या करूं उस आत्मा का, क्या करूं उस आत्मा का जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं सुन नहीं सकता, जिसे मैं बातें नहीं कर सकता, जिसे मैं गले नहीं लगा सकता। क्या करूं उस आत्मा का, क्या करूं? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है मुझे, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो बेटा? तानाजी, दादाजी। पिताजी, मैं सचमुच आपके साथ हूँ और खुश हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार आप नहीं है। आपसे बेहतर पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा आपका पोता बनकर। दादाजी, दादाजी, दादाजी। सुना आपने, आपका बेटा, आपका तानाजी शीघ्र ही घर वापस आएगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी रखना, राम जी भला करेंगे। कौन हो तुम? क्या तुम भगवान हो? तुमने मेरा बेटा मुझे कैसे दिखा दिया? ओम साई, 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 ओम साई।
दाई अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो? क्या जीजा जी उन्हें ढूंढने नहीं गए? इतनी चिंता झूठी कसम खाते हुए तो नहीं हो रही थी अपनी बहन की? वादा तोड़ते हुए ख्याल नहीं आया अपनी भाईजा ताई का? वो जहां भी गई होगी ना, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही होगी। और वैसे भी तुम्हारी चिंता जताने से किसी का भला नहीं होगा। लो कर लो बात। अरे आपको कुछ भी खरी खोटी सुना के जा रही है और हमें चुपचाप सुनना पड़ रहा है? अरे अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो वो मेरा तोड़ा है। फिर भी मैं आपकी देखभाल कर रही हूँ ना, भले ही मैं अंदर से टूट चुकी हूँ लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रही ना। अपनी भाईजा ताई को देखिए, उन्हें तो आपसे ज्यादा साई की चिंता है। ताई, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए ताई। पकड़े वाले हादसे की वजह से कोई भी दर्शक यहाँ आने को तैयार नहीं। मुझे लगता है हमें यह जगह छोड़ के जाना ही होगा। और उस रात जो आस पड़ोस गाँव के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अपने अपने गाँव में ये बात फैला दी है। हमारी बदनामी हो गई है, अब हमें कोई दूर का गाँव ही देखना पड़ेगा। उस दिन वो दो आदमी उस बेचारे को लेकर शिरडी से ही आए थे ना? हाँ, हम लोग शिरडी चलेंगे। शिरडी? लेकिन वहां तो ये बात फैल गई होगी कि वो पकौड़ा वाला हादसा हमारी वजह से हुआ। नहीं, अगर उन दोनों ने उस आदमी के साथ छल किया है तो वो कभी भी किसी को भी शिरडी में इस बात की खबर नहीं लगने देंगे। और वैसे भी अगर शिरडी के लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई तो अब शिरडी के लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को तो इस समय विद्यालय में होना चाहिए था। क्या साई शिरडी छोड़कर चला गया है? नहीं झिपरी, हमेशा के लिए नहीं गए। कल से नहीं देखा मैंने साई को, मैं तो सोई भी नहीं सारी रात। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जब भी मैं साई को नहीं देखती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है मेरे साथ। जैसे आज सुबह मैं गिर गई, ये देखिए। साई भी तुम लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम लोग उनसे करते हो। उनका भी मन कहां लग रहा होगा तुम लोगों के बिना। बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें दुख होगा ये देखकर कि तुम बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। जानते हो तुम लोग साई ने मुझसे एक बार क्या कहा था?
जब कोई इंसान हमारे साथ हो, हमारे पास हो, तो उसे प्यार करना आसान होता है, प्यार जताना आसान होता है। लेकिन वही इंसान जब हमसे दूर हो तो उसे प्यार कैसे करोगे? बताओ, क्या सिर्फ उसे याद कर लेना काफी है? नहीं, तब उसके आदर्शों को जीना चाहिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। उससे जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और साईं ने हमें क्या सिखाया? यही कि अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और तुम बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या कर्म है तुम्हारा? पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना। और यही तो साईं भी चाहते हैं ना? हम समझ कर अध्यापक जी, हम पढ़ाई करेंगे। और जैसे ही हम पहले द्वारका माई की देखभाल करते थे, वैसे ही देखभाल करेंगे। तब तो साईं खुश होंगे ना? वो जल्दी आएंगे ना? अवश्य जिप्री, बहुत जल्द लौटेंगे। साईं तो खुद प्रेम और करुणा का स्रोत है, तो फिर वो कैसे किसी की प्रेम की पुकार को अनसुना कर सकते हैं? देखती हूँ आज मुझे यहाँ से भेजने के लिए तुम कौन सा चमत्कार करते हो साई। तुमने शिरडी मेरे भाई की वजह से छोड़ी है ना, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए अब मैं खुद को दंड दूंगी। ये कैसी जिद है भाई जमा? रुक जाओ भाई जमा, भाई जमा, भाई जमा, भाई जमा, भाई जमा।